today we are understand energy efficiency ratio. What is energy efficiency ratio? ये टर्म, ये नाम कभी सुना है आपने? नहीं सुना है? एनर्जी का सुना है. एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो सुना है किसी ने? सुना है? हाँ बताइए क्या होता है एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो? ऊर्जा की दक्षता रेशियो. वेरी गुड, क्लैपिंग करिए. तो एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो जैसा कि दिलीप ने बताया हिंदी में कि अगर हिंदी से बोलें तो ऊर्जा दक्षता का रेशियो यानी अनुपात. ये आपके समझने के लिए मैंने हिंदी में बताया. एक्चुअली होता क्या है इसके बारे में मैं डिस्कस करूँ. ठीक है, तो ये जो इसे इन शॉर्ट में हम बोलते हैं EER, क्या बोलते हैं? एनर्जी फॉर ई, एफिशिएंसी फॉर ई और रेशियो फॉर आर. तो ये बना EER. ये होता है आउटपुट बटे इनपुट. अच्छा, आउटपुट इनपुट समझ में आता है आप लोगों को? आउटपुट इनपुट समझ में आता है क्या? कोई भी मशीन है, किसी भी मशीन को जब हम कुछ एनर्जी देते हैं किसी भी तौर पर, तो उसका क्या होता है? इनपुट होता है क्या आउटपुट होता है? इनपुट होता है क्या आउटपुट होता है? इनपुट होता है. वेरी गुड, क्या होता है? इनपुट. जो हम उसे देते हैं कुछ कार्य करने के लिए उसे, और वो लेकर वो जो कार्य करके आपको देता है वो क्या होता है? आउटपुट. जैसे आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा ना, कंप्यूटर के बारे में पढ़े तो बहुत बहुत कॉमन सी चीजें बताते हैं कि कंप्यूटर का जो इनपुट यूनिट है वो कौन कौन से हैं. इनपुट डिवाइसेस कौन से डिवाइसेस कहलाते हैं? जो आपकी कीबोर्ड है ये इनपुट डिवाइस, जो माउस है वो आपकी, स्कैनर आपकी इनपुट डिवाइस. इसके द्वारा कंप्यूटर आपका डाटा लेता है, वो ले रहा है, यानी उसका क्या इनपुट अंदर, और आउटपुट के तौर पर आपको क्या करता है वो मॉनिटर पर दिखाता है, डिस्प्ले पर, या प्रिंट की ओर प्रिंटर के द्वारा छाप के आपको देता है, या स्पीकर में बोलकर उसे सुनाता है. ये सब क्या है? आउटपुट. तो ऐसे ही आपकी जितनी कूलिंग सिस्टम होगी, कूलिंग सिस्टम में आपका एयर कंडीशनर भी आ जाता है, आपका रेफ्रिजरेटर भी आ जाता है, आपका वाटर कूलर भी आ जाता है, ये सारे, इन सब के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक संस्था है जिसे BEE कहते हैं. क्या बोलते हैं? BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी. ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एक संस्था है भारत सरकार की, जो ये सर्टिफाइड करती है कि आपके प्रोडक्ट की EER वैल्यू कितनी हो, और इसी EER वैल्यू के आधार पर आपकी स्टार रेटिंग दी जाए. आपने स्टार रेटिंग तो देखा ना? ये देखो, ये आपकी एसी लगी हुई है, इस पे स्टार रेटिंग है. कितने स्टार है? 2 स्टार. 5 में से उसको कितने मिले? 2 स्टार. यानी जैसे हम लोग टेस्ट देते हैं तो टेस्ट में हम बोलते हैं 10 नंबर का पेपर हो रहा है, पाए कितने? 8 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर का, तो बोलते हैं ना 5 नंबर आउट ऑफ 10, 5 नंबर. तो वैसे ही, अच्छा 10 में से अगर कोई 2 नंबर पा रहा है और एक है 8 नंबर पा रहा है, कौन अच्छा है? 8 नंबर. तो ऐसे ही अगर कोई प्रोडक्ट है, आपकी कूलिंग यूनिट है, उसकी स्टार रेटिंग ज्यादा होगी तो कैसा होगा? अच्छा होगा. और अगर उसकी स्टार रेटिंग ज्यादा है, अगर गवर्नमेंट ने उसे स्टार रेटिंग ज्यादा दी है संस्था ने, तो उसकी ईआर वैल्यू भी क्या आएगी? अच्छी आएगी. एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, किसी भी एक रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर की बात कर ले रहा हूँ. जैसे 1 टन की एसी है, 1 टन की एसी है जिसकी आउटपुट कितनी है? 3516 वाट. कितना है? 3516 वाट. एवज में बिजली कितना खा रही है? वाटेज में कितनी बिजली खा रही है?
अच्छा अगर आप नहीं आपको पता है तो ऐसे निकाल सकते हैं, एक टन की एसी एवरेज करंट कितना लेती है? 5 से 6 एम्पीयर. वेरी गुड सचिन, 5 से 6 एम्पीयर, या हम 6 एम्पीयर ले लेते हैं, सबकी अलग अलग होती है, तो हमने 6 एम्पीयर ले लिया करंट. अब कितने वोल्टेज पे आपकी एसी चलती है? 220. अब हमें एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कौन सा फॉर्मूला याद है? पावर वोल्टेज और करंट में रिलेशन बताया था, कौन सा? पी इक्वल टू वी इनटू आई. तो हमें पावर जानना है, वोल्टेज पता है कितना है, करंट कितनी है, गुणा कर दे, मल्टीप्लिकेशन करें, कितना आएगा? तो हमें पता चल गया कि आपकी एसी कितनी यूनिट खा रही है, तो 1300 कितना पावर ले रही, 1320. तो हम यहाँ लिख देते हैं 13, ये वाट आ गया, ठीक है. आ गया ये 1320, ठीक है. ये ऊपर वाला मैं इरेज कर दूं, ठीक हो, थैंक यू. अब आप इसको डिवाइड करोगे, मैं यहां पर लिख देता हूं EER 15 एंड 16 बटे 13 20. कोई डिवाइड करके मुझे बताए कितना आएगा? कोई डिवाइड करके मुझे बताए, सारे को डिवाइड करें जल्दी से, कम पास. जो आपका डेसिमल के एक पॉइंट तक निकालना है ना, बहुत पूरा नहीं काटना आपको, डेसिमल के एक पॉइंट तक निकालना. अब जो भारत सरकार की संस्था होती है उसकी चार्ट होती है, मैं इसे इरेज करूं, उसकी एक चार्ट होती है जिसमें वो बनाकर रखते हैं कि 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार और 5 स्टार, एक रेंज देते हैं कि अगर आपकी ईईआर की वैल्यू 1 से 2 के बीच में आई तो सिंगल स्टार, 2 से 3 के बीच में आई तो, अब यहाँ पे 2 से 3 मतलब 2.1 से स्टार्ट होके 3 होगा ना, 2 तक रहेगा तो इसी में रहेगा, 3.1 से स्टार्ट होके 4 तक आई तो 3 स्टार, 4.1 से स्टार्ट होके 5 में आई तो, और 5. सेम ऐसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया, एक एग्जांपल है ये रियलिटी, रियल में आप साइट पर गूगल पर जाओगे मैं आपको दिखा दूंगा, तो स्टार रेटिंग के चार्ट आपको मिल जाएंगे. तो आप देखो आपके प्रोडक्ट की ईआर वैल्यू कितनी आई है, 2.7 कहां एग्जिस्ट करता है, 2 स्टार में, 2.1 से 3 के रेंज में कौन आता है, 2.7. तो यानी आपके प्रोडक्ट की स्टार रेटिंग कितनी है, 2 स्टार. समझ गए, ऐसे हर कूलिंग यूनिट की स्टार रेटिंग दी जाती है, ठीक है, समझ गए. और ये जो स्टार रेटिंग है उसका जो चार्ट, ये पर कह लीजिए हर 2 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो संस्था है वो रिनिवल करती है, रिनिवल मतलब चार्ट में चेंजेस करती है. चेंजेस करने का क्यों, क्या फर्क है कि आज शायद जो आप यूज कर रहे हो, आज 3 स्टार की चीजें यूज कर रहे हो, कल के जो चार्ट आएंगे मतलब 2 साल का बाद जो चार्ट आएगा उसमें ये 2 स्टार में चला आए, कम हो जाए, क्योंकि डे बाय डे हम अपनी जो जो टेक्निकल स्किल है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं,
चीजों को और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि आपकी मशीन कम से कम बिजली खाकर ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करे। ये तो चाहते हैं ना। पहले एसी चलाना बहुत एक्सपेंसिव होता है क्योंकि तब जो यूनिट दर थी कंजप्शन थी बहुत ज्यादा आज के डेट में सस्ता होता। अब तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आ गया उसमें और इजी कह लो और कम एनर्जी कंज्यूम। ठीक है तो समझ में आया सारे डी? जी सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। कोई क्वेश्चन? कुछ भी नहीं, सब क्लियर है? जी सर। थैंक यू।